गाजा पट्टी में इसराइल के हमले से मची तबाही। इसराइल ने गाजा पट्टी में नहीं किया रहम, दावा आतंकियों को मारने का, तो स्कूल के बच्चे आखिर कैसे निशाने पर आए, जिसकी चर्चा इस वक्त हर ओर हो रही है। और इसराइल के हमले में असमा स्कूल पर जो हमला हुआ, उस हमले में बच्चों के और स्कूल के आसपास जो लगातार लोग रेस्क्यू में लगे हुए थे, उनके मारे जाने की खबर सामने आई। दरअसल इसराइल का कहना है कि उसने आतंकियों को निशाना बनाया था और उसके निशाने पर स्थानीय नागरिक बिल्कुल भी नहीं थे, और स्थानीय नागरिकों को पहले ही इसके लिए आगाह कर दिया गया था। चूँकि डिटेल ये मिल रही है, जिसमें जानकारी ये दी जा रही है कि अभी तक जो नागरिक सुरक्षा विभाग गाजा ने जानकारी दी, उसमें बताया गया कि पश्चिमी असमा स्कूल में इजरायली हमले में कई लोग मारे गए। और इस पूरे घटनास्थल से प्राप्त वीडियो में, जिसमें कि पिकअप ट्रक में लोगों के घायल हालत में और शवों को भी रखा जा रहा है, और ये वीडियो दहला देने वाला है। हालांकि बाद में जो बातें सफाई के तौर पर एक तरह से कही गई, उसमें आरोप ये लगाया गया कि परिसर में हमास का कमांड सेंटर बना हुआ था और उस पर नियंत्रण केंद्र उन्होंने बनाया हुआ था, जिसके चलते इस जगह को टारगेट करना पड़ा और स्थानीय नागरिकों पर हमला करने का इसराइल का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना है कि उनकी जो स्थानीय नागरिक हैं, उनकी जान को जोखिम में डालना या उनके खिलाफ कोई कदम उठाना उनका विषय बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता दें कि इसराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध जारी है, गाजा में भी हमले हो रहे हैं, और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ अमेरिका से कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब चर्चा है कि आखिर ये क्या हुआ। चलिए इस बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसराइल के ईरान पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर की हम आपको एक कहानी बताएं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक अकाउंट बनाया। अब इस अकाउंट को स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क के कंपनी ने बंद कर दिया और इसके खिलाफ एक्शन लिया गया। आखिर क्या कारण है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर जो दो दिन पहले ही अकाउंट एक्टिवेट हुआ था, उसके खिलाफ एक्स ने क्यों कार्रवाई की और क्या इसके पीछे की वजह है। आपको बता दें, ये जो पूरा एक्शन लिया गया, उसमें दावा ये किया जा रहा है कि इसराइल और ईरान का युद्ध जो जारी है मिडल ईस्ट में, अशांति को लेकर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उस बैठक में गाजा और लेबनान में IDF ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का एक्स अकाउंट, जिस पर कि एलन मस्क की कंपनी ने एक्शन लिया है, और इस एक्शन के चलते वो अकाउंट अभी जिस उम्मीद से खामेनेई ने संभवतः शुरू किया, वो उम्मीद पूरी करता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल आशंका ये भी जताई जा रही है कि ईरान के इन हमलों का बदला इसराइल से ज़रूर लिया जाएगा, और इसराइल ईरान युद्ध से पूरी दुनिया सहमी ही हुई है। और शनिवार को ईरान पर जो इसराइल की तरफ से जमकर ड्रोन हमले किए गए थे, उसका भी बदला लेने की तैयारी है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष स्विट्जरलैंड ने रविवार को ये कहा कि ईरान पर इसराइल के हमले की चर्चा के लिए जो बैठक यूनाइटेड नेशंस की होनी है, उसमें अल्जीरिया, चाइना, रशिया के समर्थन उनका मिल रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का जो नया एक्स अकाउंट एलन मस्क की कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है, उस पर भी अब बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि क्या दोबारा से वो अकाउंट बनाएंगे या फिर अमेरिका का जो इसराइल को सपोर्ट है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अभी विषय जो है थोड़ा सा और ज़्यादा पेचीदा है, इस पर और डिटेल की आवश्यकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को 15 सदस्यीय परिषद को लिखे पत्र में कहा कि इसराइल की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और पहले ही कमजोर जो क्षेत्र हैं उन्हें अस्थिर बना रहा है। उधर ये जानकारी सामने आ रही कि दक्षिणी लेबनान के तटीय शहर सिडोन पर हुए इसराइली हमले में 8 लोग मारे गए, जबकि इस हमले में 25 अन्य लोग घायल हुए। और वफा की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया कि इजरायली सेना ने मध्य गाजा में बुरेज शरणार्थी शिविर में उत्तर पूर्वी स्थित घरों को भी यहां बम लगाकर उड़ा दिया है। हालांकि इन हमलों में कम से कम 53 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। और इजरायल की 7 मोर्चों पर जो लड़ाई की बात इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वक्त वक्त पर करते रहे हैं, वो 7 मोर्चे, जिनमें से एक मिस्र ने गाजा में 2 दिन के
सीमित युद्ध विराम का प्रस्ताव भी रखा, यहाँ भी है, ताकि जो चार इजरायली नागरिक हैं उनके बदले फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा सके और कतर की राजधानी दोहा में साल भर से चल रहे युद्ध को विराम दिया जा सके और इसे समाप्त करने के लिए एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सके। इजराइल युद्ध विराम की बात करता है तो ईरान हमला कर देता है, उसके हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन हमला कर देते हैं, और ईरान या लेबनान या गाजा पट्टी में जब युद्ध विराम की बात होती है तो इजराइल को अपना बदला याद आ जाता है और वो हमला कर देता है। हमला होता है आतंकियों के ठिकानों पर, तो आम नागरिक भला क्यों निशाना बनते हैं, ये एक अहम सवाल है।